परम पूजनीय गुरुदेव बाबा नीप करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए सभी भक्तात्माओं को जय श्री राम। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है 12 जनवरी को, जिसे हम यूथ डे ऑफ इंडिया के रूप में मनाते हैं। विवेकानंद जी युवाओं के मार्गदर्शक रहे हैं और आज का भी यूथ चाहे तो विवेकानंद जी से अपने आप को जोड़ सकता है और यूथ बहुत अच्छे से विवेकानंद जी के साथ कनेक्ट करते हैं। आध्यात्म, वेद और आज के भागदौड़ की जिंदगी की परेशानियों को हम विवेकानंद जी के माध्यम से एक साथ कनेक्ट करके देख सकते हैं और इसके लिए विवेकानंद जी हमारे समाज के बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। मैं यूथ डे ऑफ इंडिया 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर उनको वंदन नमन करते हुए मैं आपको दो प्रेरक प्रसंग विवेकानंद जी के जीवन से सुनाता हूं, जिससे कि आपके अंदर प्रेरणा आए और युवाओं को मार्गदर्शन मिले। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। अचानक एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर खड़े कुछ लड़कों को नदी में तैर रहे अंडों के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। किसी भी लड़के का निशाना सही नहीं लग रहा था और वो बहुत देर तक विवेकानंद जी उनको देखते रहे। तब उन्होंने कहा, एक बार लाओ अपनी बंदूक मुझे दो, मैं यह कोशिश करके देखूं। उन लड़कों ने स्वामी जी को अपनी बंदूक दे दी और अब स्वामी जी अंडों के छिलकों पर निशाना लगाने लगे। एक के बाद एक उन्होंने कुल 12 निशाने लगाए और सभी के सभी बिल्कुल सटीक लगे, एक भी निशाना स्वामी जी का नहीं चूका। ये देख करके वहाँ के लड़के दंग रह गए और उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि भला आप ये कैसे कर लेते हैं, आपने सारे निशाने बिल्कुल सटीक कैसे लगा दिए। स्वामी विवेकानंद जी ने उनको जवाब दिया कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी चूकोगे नहीं। यदि तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो, फिर तुम कभी चूकोगे नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को इस छोटे से दृष्टांत से बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। हम कहते हैं जीवन में हमारी असफलता मिल रही है, यह असफलता का कारण यही है कि हम अपनी पूरी क्षमता के अनुसार सिर्फ उसी एक काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। जिस वक्त आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर के जो आप कर रहे हैं सिर्फ उसी पे केंद्रित होंगे तो सफलता न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, ये विवेकानंद जी ने हमें समझाया है। विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ा हुआ दूसरा एक प्रसंग भी आपको सुना रहा हूँ, यह भी आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। स्वामी विवेकानंद जी एक बार बनारस में माँ दुर्गा के मंदिर से निकल रहे थे, तभी वहाँ मौजूद बहुत सारे बंदरों ने उनको घेर लिया। उनके हाथ में देवी माँ का प्रसाद था और बंदरों ने प्रसाद के लिए उनको चारों ओर से घेर लिया और उनसे छीनने लगे, छीना झपटी होने लगे। अब जब बंदर नजदीक आने लगे तो स्वामी जी डरने लगे। स्वामी जी बहुत भयभीत हो गए और खुद को बचाने के लिए दौड़कर इधर उधर भागने लगे। अब जब स्वामी जी भाग रहे हैं तो बंदर भी आगे पीछे भाग रहे हैं, बंदर पीछे ही पड़ गए। उन्होंने भी प्रसाद लेने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया और बंदर भी उनके पीछे पीछे भागने लगे। अब स्वामी जी आगे भाग रहे हैं और बंदर उनको पीछे से दौड़ा रहे हैं। पास खड़े एक वृद्ध सन्यासी यह सब देख रहे थे। उन्होंने स्वामी जी को रोका और कहा, रुको, डरो मत, इनका सामना करो और देखो क्या होता है। वृद्ध सन्यासी की यह बात सुनकर स्वामी जी तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। स्वामी विवेकानंद जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उनके ऐसा करते ही सभी बंदर तुरंत भाग गए। उन्होंने वृद्ध सन्यासी को इस सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया और इस घटना से स्वामी जी को एक गंभीर सीख मिली। कई सालों के बाद स्वामी विवेकानंद ने एक संबोधन में इसका जिक्र किया था और कहा था, यदि तुम कभी किसी चीज से भयभीत हो तो उसे भागो मत, पलटो और सामना करो। भागने से समस्या खत्म नहीं होगी, समस्या का सामना करो, समस्या खत्म हो जाएगी। वाकई यदि हम भी अपने जीवन में आए समस्याओं का सामना ऐसे ही करने लगे और उसे भागे नहीं तो हमारे जीवन में बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अगर आप उनसे अपने आप को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि यह यूथ डे के रूप में मनाया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि हमारा भारत का आने वाला समय फिर से स्वर्णिम भारत बन सकता है और हम फिर से एक स्वर्णिम इतिहास लिख सकते हैं। पुनः स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में अपना वंदन नमन अर्पित करते हुए आप सभी मित्रों से आज विदा लेता हूं। अगले किसी वीडियो में जब आऊंगा तो मैं बाबा नीप करौरी जी महाराज के चरणों में अपना लिखा एक भजन निवेदन करूंगा। सभी भक्तात्माओं को जय श्री राम।